Cüneyt Bravo yeşil olsaydı normalde de yeşil bence. Abkin Baymaz, DJ, Kanka Bravo. Çünkü Abkin Baymaz yeşil. Ama Abkin Baymaz mahne. Cis vachan se prabhu aapne manushya ko nirman kiya. Jis vachan se pita aapne phir se apni dulhan ko, apni bride ko aapne vachan ke dwara nirman kiya. इसलिए धन्यवाद देता हूँ पिता, हमें उस दुल्हन का भाग बनने दे, हमें और हमारे भाई बहनों को और प्रभु यीशु मसीह उन सारे लोगों पर दया कीजिए पिताजी, कि हम उस दुल्हन रूपी भाग के अंदर बदलना चाहते हैं वचन के द्वारा। इसलिए प्रभु हमारी सहायता कर, ताकि पवित्र आत्मा के द्वारा इस प्रभु इस युग के प्रॉफिटिक संदेश के साथ हम चले प्रभु, इस प्रॉफिटिक ओ संदेश के साथ रहे और संदेश हमारे भीतर रहे, इसलिए हमारी सहायता। सिर्फ हम संदेश बोलने वाले नहीं, लेकिन प्रभु परंतु प्रभु जैसा नबी ने प्रभु प्रकाशित पत्र 10:11 के अंदर और प्रभु यीशु उस पुस्तक को खाया, वैसे ही हमें भी उस प्रभु इन संदेशों को खाने के लिए, इन वचनों को खाने के लिए, खाकर हमारे भीतर वो जीवन आने के लिए सहायता। पिता केवल हम चर्चा करने वाले नहीं, इन वचनों को लेकर वाद विवाद करने वाले नहीं, बल्कि प्रभु सिर्फ चर्चा करने वाले नहीं परंतु जीने वाले बन सके, ऐसा हम सब की सहायता कर। हम सब पर आशीष को भेजिए, हम सबको उस पवित्र आत्मा की आशीष को उतारिए पिता, जिसके हम राह देख रहे हैं पिताजी, जिसके लिए हम व्याकुल है पिता, क्योंकि प्रभु यीशु आपने कहा आपके वचन में संसार मुझे नहीं देखेगा परंतु आप मुझे देखोगे। हाँ मेरे पिता, उन पर ओ प्रभु यीशु हम आपको आज के इस युग के संदेश के तौर पे देख रहे प्रभु, हमारे हम सब पर इसे प्रकट कर, हम सब प्रभु यीशु जिनके आंखें नहीं खुले उनके आंखें खोल दीजिए पिता। आज के शाम को मुझे संदेश को हर एक बातों को हमारा उद्धारक प्रभु यीशु मसीह के मधुर मीठे नाम से सुन और कबूल कीजिए। हम वचन की ओर जाना चाहते हैं और मैं चाहता हूं कि एजकिल की पुस्तक इसका 26 अध्याय और हम 27 26 और 27 वचन पढ़ेंगे। एजकिल की पुस्तक 36 अध्याय और 26 और 27 वचन पढ़ेंगे। मैं तुमको नया मन दूंगा और तुम्हारे भीतर नई आत्मा उत्पन्न करूंगा, तुम्हारी देह में से पत्थर का हृदय निकाल कर तुमको मांस का हृदय दूंगा। मैं अपना आत्मा तुम्हारे भीतर देकर ऐसा करूंगा कि तुम मेरी विधियों पर चलोगे और मेरे नियमों को मानकर उनके अनुसार करोगे। तो इस वचन पे आशीष करें, फिर जाते हैं और हम परमेश्वर कि फिर से प्रभु यीशु मसीह ने हमें मौका दिया इस लॉकडाउन के अंदर उसकी उपासना आराधना करने का और उसके नाम की जय जयकार करने का। इसलिए उस प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद। और मैं प्रिय भाई बहनों, प्रभु आप सबको बहुत से आशीष करें और मैं विश्वास करता हूँ कि आप सब खुश हैं और प्रभु ने आप सबको चंगा रखा और प्रभु ने आप सब प्रभु आप सबके साथ इन दिनों के अंदर पवित्र आत्मा के द्वारा इस संदेश के द्वारा प्रभु आप सबसे बात कर रहा है, आशीष कर रहा है। इसलिए प्रभु के नाम का धन्यवाद और उस जीवित परमेश्वर की महिमा करने का मौका दिया, इसलिए भी प्रभु का धन्यवाद कर रहे हैं। मेरे प्रिय भाई बहनों, क्योंकि वचन जो है वचन में सिखाता है, वचन में बता रहा है कि उन सारे बातों को जो परमेश्वर ने हमारे लिए दिया है। और इसलिए परमेश्वर हमें वचन के द्वारा बात करना चाहता है, नबी के संदेश के द्वारा, और वही बातें हैं और वही वचन हमें आशीष कर रहा है। तो हम उस वचन को जो परमेश्वर ने आज हमारे लिए दिया है उस वचन को हम देखेंगे और उस परमेश्वर की महिमा स्तुति करेंगे। वचन में लिखा है कि हम पढ़ेंगे उसे वापस, मैं तुमको नया मन
और तुम्हारे भीतर नहीं मैं तुमको नया मन दूंगा तुम्हारे भीतर नहीं आत्मा उत्पन्न करूंगा और मैं तुम्हारे भीतर नई आत्मा उत्पन्न करूंगा और तुम्हारी देह में से पत्थर का हृदय निकाल कर और तुम्हारे देह में से पत्थर का हृदय निकाल कर तुमको मांस का हृदय दूंगा तुमको मांस का हृदय दूंगा मैं अपना आत्मा तुम्हारे भीतर और मैं अपना आत्मा तुम्हारे भीतर देकर ऐसा करूंगा कि तुम मेरी विधियों पर चलोगे तुम मेरे विधियों पर चलोगे और मेरे नियमों को मानकर उनके अनुसार करोगे। प्रभु इस वचन को आशीष करे। आज शाम हम उस नबी के संदेश में से बात करेंगे कि why some people can't keep the victory, क्यों कुछ लोग विजय नहीं होते। अब्राहम ने इस संदेश के अंदर बहुत सारी अद्भुत और ऐसे आशीष के बातें दिया कि जो कलीसिया के अंदर कलीसिया के उन्नति हमारी उन्नति के लिए और सबके उन्नति के लिए परमेश्वर ने नबी को ये सारी बातें बताई और ये सारी बातें परमेश्वर ने अपने भविष्यवक्ता के द्वारा भविष्यवक्ता बताते कि जब उनका परिवार उन्होंने जो है नेचर के अंदर आज तो हमारे पास सबके पास बाइबल है और उनके पास उस समय बाइबल नहीं था और बाइबल नहीं होकर भी उन्होंने नेचर का स्टडी किया नेचर का अभ्यास किया और जब नेचर ने उनका नेचर का उन्होंने अभ्यास किया तो उसी नेचर ने उसी पहले बाइबल ने जो उनको मसीह की ओर अगुवाई किया और उस समय उनके घर में कोई बाइबल नहीं था और वो कहते हैं कि 20 साल की उम्र के अंदर उनके पास पहला बाइबल देखा और जबकि उनके घर में भी ये बाइबल नहीं था। हम तो बचपन से बाइबल को देखते हैं पढ़ते हैं और हमारे पास बाइबल है जबकि भविष्यवक्ता एक कैथलिक परिवार से था और वो कैथलिक गिरजाओं को कैथलिक बातों को और उस कलीसिया को छोड़कर वे थे। उनके माता पिता ने मतलब वहां पर जो शादी हुई थी वो उनकी चर्च के बाहर हुई थी और वे उतना वो धार्मिक नहीं थे जितना कि होना चाहिए। फिर भी उनके पास वो चीजें नहीं थी लेकिन परमेश्वर के प्रेम ने उनको धार्मिक रखा। बाइबल नहीं लेकर भी परमेश्वर ने उनको सारी बातें दी और उन्होंने नेचर के अंदर जो परमेश्वर ने बाइबल रखा है नेचर के अंदर जो परमेश्वर ने बातें रखी है जो परमेश्वर ने उन्हीं बातों का उन्होंने अभ्यास किया वैसे ही नेचुरल और स्पिरिचुअल बातें दोनों भी एक दूसरे से जुड़ी हुई है। जैसा स्वाभाविक बातें है वैसे ही वो अवलौकिक बातें ये टाइम है नेचुरल स्वाभाविक और अवलौकिक और ये जब एक टाइप है एक नमूना है इसे दिया गया ताकि हम इसे समझे और इसलिए परमेश्वर ने ये शैडो जैसा भाई ब्रैनम कहते कि ये शैडो है और इस शैडो को दिया गया ताकि परमेश्वर ने इन सारे बातों को हम समझने के लिए हम देखते हैं कि बाइबल के अंदर जो कि भविष्यवक्ता कहते हैं कि ईगल ये जो है प्रॉफिट को दिखाता है और ईगल ऐसा शक्तिशाली प्राणी है और ऐसा बलशाली प्राणी है और उसके विषय में भाई ब्रैनम बात कर रहे हैं कि एक बार वो और उनका बेटा जू के अंदर गया उस पार्क के अंदर गया और जब पार्क के अंदर गए तब उन्होंने देखा कि उस पिंजरे के अंदर बहुत सारे प्राणी उस पिंजरे के अंदर है और वो कहते हैं कि मैं वही चीज आज देखता हूँ कि बहुत सारे क्रिश्चियन जो उस पिंजरे के अंदर बंद है पिंजरे के अंदर कैद है कुछ कुछ इस तरह से कि वे उस पिंजरे के अंदर फंसे हुए
आपके पिंजरे के अंदर, और उस पिंजरे के अंदर रहकर वे अपने आप को उस पिंजरे के अंदर, वो कहते हैं कि उस पिंजरे के अंदर बहुत सारे मसले, और वो पिंजरे के अंदर, वहां पर वो पिंजरे के अंदर रहने के कारण, और वहां पे वो देखते हैं कि वो जो प्राणी है, वो जो पशु है, बहुत ही ताकतवान है, वो अच्छा खाना खा रहा है, बहुत ही मजबूती के साथ रह रहा है, लेकिन वो उड़ नहीं सकता, उड़ नहीं सकता, क्योंकि वो अच्छा खाना खा रहा है, ताकतवान है, उसके पास शक्ति है, फिर भी वो पिंजरे के अंदर है, वो उड़ नहीं पाता है। ठीक ऐसा ही मेरे प्रिय भाई बहनों, मसीह भाई बहनों की स्थिति है कि वे आत्मिक भोजन तो कर रहे हैं, उनके पास उस शक्ति भी है, लेकिन वे उस पिंजरे के बाहर निकल नहीं पाते, वो फ्री नहीं हो पाते। वे तो वो शायद वचन के ऊपर वो स्टडी करते हैं, वचन पर विश्वास करते हैं, लेकिन वो आज भी उसी पिंजरे के अंदर है, और उसी पिंजरे के अंदर उनके अंदर वो विश्वास जो है काम नहीं कर रहा है, और उनकी स्थिति वैसे ही है जैसे कि उस पिंजरे के अंदर उस पक्षी की। जो केज है, जो पिंजरा है, उस पिंजरे के अंदर से जब वो क्या करता है, वो पक्षी उस पिंजरे के अंदर फड़फड़ाता है उड़ने के लिए, वहां से निकलने के लिए, ताकि उड़कर वो आकाश में ऊंचाई के अंदर उड़ सके, और इसलिए क्या करता है, वो अपने पंखों को हिलाता है ताकि उसमें से वो निकल कर वो क्या करता है, वो अपने पंखों को बार बार मारता है ताकि वो उसमें से, वो उस पिंजरे में से निकले, उन बड़े बड़े बार में से बाहर निकले, और बाहर निकल कर उस ऊंचाई पर वो उड़ सके। उसकी दृष्टि हमेशा आकाश की ओर होती है, वो उस स्वर्गीय जैसा कि वो पक्षी है, जो आकाश का वो पक्षी है, उसकी दृष्टि हमेशा बाहर होती है, लेकिन फिर भी वो पिंजरे के अंदर। ठीक ऐसी बात है मसीह भाई बहनों के अंदर है, उनका जीवन वे अभ्यास करते हैं, वो बाइबल की स्टडी करते हैं, वे वो विश्वास की बातें करते हैं, फिर भी वे उस उनकी स्थिति उन पिंजरों के अंदर है, जो पिंजरों के अंदर जैसा पक्षी है, और वैसे वैसा ही जीवन। आज हमें उस उकाब के माने, नबी कहते हैं कि उकाब के माने हमें ऊंचे पे उड़ने की आवश्यकता, परमेश्वर ने हमें उकाब बनाया है, और हमें उकाब के समान उड़ने की आवश्यकता है, उकाब के समान ऊंचाई पर जाने की आवश्यकता है, उकाब के समान हम उस स्थान को लेने की आवश्यकता है, जैसा कि आज कलीसिया को, विश्वासी भाई बहनों को, उस स्थान को जो उकाब के समान, उकाब के जैसा हमें उस स्थान को ग्रहण करने की आवश्यकता है, उस जगह को लेने की आवश्यकता है। इसलिए हर एक भाई बहनों को उस पिंजरे से जो है हमें निकलने की आवश्यकता है, क्योंकि परमेश्वर ने हमारे लिए एक मार्ग दिया, परमेश्वर ने हमें एक मार्ग दिया। मैंने एक बार सुना था, भविष्यवक्ता ने एक संदेश के अंदर कहा कि एक फार्मर है, और उस फार्मर के पास उसने खेती के अंदर, उन्होंने खेती के अंदर बहुत सारे अनाज को बोया, बीजों को बोया, और बीजों को बोने के बाद बहुत सारे पक्षी आकर वहां पर उन बीजों को चुगते थे, खाते थे, और खाकर वे वहां से उड़ जाते, और उसने जो कुछ भी बोया था, जो कुछ भी अपने खेती के अंदर बीज बोया था, और वो बीज जो है, वो पक्षी और वो सारी चीजें वहां पर आकर वे वहां पर खाकर जाते। लेकिन एक दिन उस फार्मर ने, शेतकरी ने, उन्होंने उस उन पक्षियों में से एक पक्षी को ठहराया कि मैं कोई भी हालत में एक पक्षी को पकड़ूंगा, और पकड़कर जो मेरा खेती का नुकसान हो रहा है, जो कुछ भी मेरा नुकसान हो रहा है, उस नुकसान को भर के, मतलब आगे से वो जो पक्षी है मेरे खेत के अंदर वो सारी चीजें ना खाए, और इसलिए मैं उनको सबक सिखाने के लिए, उन्हें सबक सिखाने के लिए उन्होंने सोचा कि मैं किसी पक्षी को पकड़ता, और शायद उनके हाथ में
पक्षी मिल जाता है, मान लो जो कौवा, और वो मिलने के बाद उसको क्या करते हैं, उसके पैर को रस्सी बांधते हैं, और वो रस्सी जाकर एक पेड़ के वो सांड को बांध देते हैं, और वो पक्षी वहां पर बगैर पानी बगैर खाना खाए हुए वो बार बार उड़ने की कोशिश करता है, बार बार उड़ने की कोशिश करता है। पहला दिन होता है, दूसरा दिन होता है, तीसरा दिन होता है, उसको खाना नहीं पानी नहीं, और वो वहां पर कमजोर हो जाता है, और वहां पर उसकी ऐसी अवस्था हो जाती है कि ऐसे अवस्था के अंदर वो दुबला पतला पूरी तरह से कमजोर हो जाता है, और वो उड़ने की कोशिश करता है। अब वो उड़ने की स्थिति में भी नहीं रहता है, 5-6 दिन के बाद वो उसकी स्थिति वो पूरा कमजोर हो जाता है, उसके अंदर पूरी कमजोरी आ जाती है, और वो उड़ नहीं सकता, क्योंकि वो जितना भी कोशिश करता है तो वो दौड़कर भागता है, और जब उड़ने की कोशिश करता है तो उसके पैर में रस्सी होती है और वो उड़ नहीं सकता। लगभग 5-6 दिन 7 दिन उसको 1 हफ्ते के ऊपर हो जाता है, और वो मरने की स्थिति में एकदम एकदम मरने की स्थिति में एकदम दुबला पतला, अब तो वो उठ भी नहीं चल सकता, चल भी नहीं सकता। तभी एक और एक फार्मर वहां से जाता है, और वो देखता है कि यहाँ पर तो ये पक्षी बांधा हुआ है, और वो क्या करता है उसके रस्सी को काट देता है, और जब रस्सी को काट देता है और रस्सी को काटने के बाद उसे उसे पानी और खाना खिलाने के बाद वो उसे जब उड़ान वो जो वो मनुष्य उसको उड़ाने की कोशिश करता है तो वो उड़ नहीं पाता है, क्योंकि उसको उसकी आदत लग चुकी है, तो वो बस उस पेड़ के इर्द गिर्द ही घूमता रहता है, उस पेड़ से वहां तक वो उड़ने की कोशिश करता है या भाग कर जाने की कोशिश करता है। मानो उसको लगता है कि अभी भी मेरे पैर के अंदर वो जो रस्सी है बांधी हुई है, अभी भी वो बंधा हुआ है, परंतु वो नहीं जानता कि किसी ने उसकी रस्सी काट दी है, अब वो आजाद हो चुका है, वो मुक्त हो चुका है, और वो उसी स्थिति के अंदर उसके जीवन में वो आदत हो चुकी है। ठीक वैसे ही भाई ब्रह्म कहते हैं कि आज हमारे पास परमेश्वर की आशीष है, परमेश्वर का पवित्र आत्मा है, परमेश्वर का वचन है, परमेश्वर का नबी का संदेश है, लेकिन लोगों को आज आदत हो चुकी है, उनके पास शक्तिशाली वचन है, शक्तिशाली भोजन है, फिर भी वे उन बातों के आदि हो चुके हैं। आप उन बातों की उनके अंदर वो पुराने स्वभाव पुराने जीवन की उनको वो आदत हो चुकी है, अब वो उस ऊंचाई पे उड़ नहीं सकते, वे भूल गए हैं ऊंचाई को उड़ना, अब वो समझ नहीं पाते हैं इसलिए कि क्योंकि उनके जीवन में वो सारी बातें नहीं है। परमेश्वर आज हमें उड़ते हुए देखना, इसलिए मेरे प्रिय भाई बहनों हमें उस पिंजरे के बाहर निकलना चाहिए, उस स्थिति से बाहर निकलना चाहिए, और जैसा उकाब ऊंचाई पे उड़ता है वैसा ही हमें भी उड़ना चाहिए, जैसा उकाब और भी जितना गहरा होता है जितना ऊंचा उड़ता है जितना वो ऊंचे पे जितना उड़ता है उतना ही हमें उड़ना चाहिए। इसलिए परमेश्वर ने पुराने नियम के अंदर उन्होंने उकाब को एक भविष्यवक्ता के मानिंद उपमा दी, भविष्यवक्ता भविष्यवक्ता की उपमा दी, और यही यही चीजें हमारे जीवन में, इसलिए परमेश्वर ने हमारे लिए सहायता किया ताकि हम ऊंचाई पे उड़ सके और ऊंचाई का जीवन हमारे अंदर आ सके, और हम शारीरिक अवस्था से आत्मिक अवस्था में आ सके। इसलिए परमेश्वर हमें बचाना चाहता है, जो कुछ भी हमने खोया है जो कुछ भी खो दिया है इसका इसके लिए परमेश्वर हमें बचाना चाहता है। इसलिए हमें अगर हम उस शारीरिक अवस्था में रहेंगे शारीरिक स्वभाव में रहेंगे तो निश्चित हम नाश हो जाएंगे, लेकिन जब हम पश्चाताप करते हैं और जब पश्चाताप करके परमेश्वर के पास आते हैं तो वो हमारे लिए मार्ग निकलता है, हमारे लिए मार्ग खोलता है, और हमें क्या करता है आजाद करता है। ठीक है, ऐसा नहीं परमेश्वर, हमारा नाम उस मेमने की किताब के अंदर कोई लिख नहीं सकता, हमारा नाम कोई उस मेमने की किताब में दर्ज नहीं कर सकता,
नाम उस मेमने की किताब में कोई भी वो शिक्षक हो, कोई भी प्रचारक को दर्ज नहीं कर सकता, कोई भी चर्च दर्ज नहीं कर सकता, क्योंकि मेमने की किताब के अंदर प्रभु यीशु मसीह का लहू ही हमें क्या करता है, हमारा नाम दर्ज करता है, और यह हम विश्वास करते हैं। परंतु हमारा नाम कोई मिटा नहीं सकता, केवल उनके नाम जो जगत की उत्पत्ति से पहले जो प्रभु यीशु मसीह में है, उनके ही नाम प्रभु यीशु ने अपने लहू के, पवित्र लहू के द्वारा नाम लिखे, ताकि जगत की उत्पत्ति से पहले, जगत की उत्पत्ति से पहले जो लोग बुलाए गए, जो प्रभु में, प्रभु यीशु ने जगत की उत्पत्ति से पहले जिनको चुन लिया, जिनको परमेश्वर ने अपने लहू से खरीदा है, लेकिन जिनके नाम उस मेमने की किताब, जिनके नाम वही लोग जिनके नाम उस मेमने की किताब में वही भरमाए जा सकते, लेकिन जिनके नाम मेमने की किताब वे पीछे पड़ नहीं सकते, वे डिसेव नहीं हो सकते हैं, परंतु जिनके नाम जगत की उत्पत्ति के पहले उस मेमने की किताब में लिखे गए, वे कभी भी स्तुति हो। इसलिए परमेश्वर ने हमारे लिए, इसलिए हमारे अंदर वो डर और भय होने की आवश्यकता, डर और भय की आवश्यकता, क्योंकि परमेश्वर ने हमारे पास, हमारे लिए अनंत काल के, हमारे लिए उसने क्या किया, उस परमेश्वर ने हमारे अंदर से वो डर भय निकाल कर हमें अनंत काल की सुरक्षा दी है, और उसकी सुरक्षा केवल उसके वचन में, उसके वचन के अंदर सुरक्षा। इसलिए हमें डर या भयभीत होने की आवश्यकता, क्योंकि परमेश्वर का वचन ही हमें सुरक्षा देता है। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि हम बच गए, प्रॉफिट कहते हैं कि बहुत सारे लोग सोचते हैं कि हम बचाए गए, लेकिन जिनका उद्देश्य सही है, अगर अगर उद्देश्य सही ना हो, और अगर अगर उनके जीवन में उद्देश्य सही ना हो, तो वे सीधा उस वेदी के पास जाए और परमेश्वर के पास जाकर परमेश्वर को प्रसन्न करने, और ये शारीरिक स्वभाव से नहीं हो सकता, लेकिन जब हम परमेश्वर के, हमारा उद्देश्य गलत होता है, तो हमारे लिए बेहतर यह है कि हम वेदी के पास जाएं, क्योंकि परमेश्वर हमारे में, और हम परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए हमें परमेश्वर परमेश्वर ने हमारे लिए ये सारे मौके, इसलिए हम परमेश्वर के नाम, हमारा नाम उस मेमने की किताब के परमेश्वर ने रखा है, क्योंकि उसने जगत की उत्पत्ति के पहले से हमारा नाम उस मेमने की किताब, अब इस नाम को कोई निकाल नहीं सकता, इस नाम को कोई हटा नहीं सकता, क्योंकि परमेश्वर ने ये जो सुसमाचार हमारे लिए, देखिए बाइबल कहता है कि परमेश्वर का राज्य, परमेश्वर का सुसमाचार उस जाल के समान है जो परमेश्वर ने मत्तयी 13 अध्याय के अंदर, क्योंकि उसका स्वर्ग का राज उस जाल के समान है, जो जाल परमेश्वर ने, स्वर्ग का जाल उसने समुद्र के ऊपर डाला, संसार के अंदर डाला, और जब जाल को डाला तो उस जाल के अंदर, उस नदी के अंदर, उस पानी के अंदर जब जाल को डाला, तो उस जाल के अंदर बहुत सारे बाइबल कहता है कि वहां पर बहुत सारी चीजें बाहर है, उस जाल के अंदर
परमेश्वर का राज्य, परमेश्वर का सुसमाचार उस जन जिसे एक सेवक ने या परमेश्वर के संतों ने पानी के ऊपर डाला, संसार के ऊपर डाला, उस संसार के अंदर बहुत सारे उस जाल के अंदर लोग आते, बहुत सारे प्राणियां थे उस समुद्र के अंदर, उस नदी के अंदर। हो सकता है कि मकड़ियां आए, हो सकता है कि सांप आ जाए, हो सकता है कि छिपकली आ जाए, हो सकता है कि ऐसी ओ कछुआ आ जाए और ऐसे ऐसी चीजें जेलीफिश आ जाए, लेकिन परमेश्वर का राज ऐसा है कि बहुत सारे लोग आते हैं। परमेश्वर के राज्य में बहुत सारे लोग आते हैं, लेकिन जब कोई परमेश्वर के उस वेदी के पास आता है, तो वो वेदी के पास आकर, वो ये वेदी के पास आकर ये कह सकता है, हो सकता है कछुआ, कि मैं इसे विश्वास ना करता हूं, हो सकता है कि सांप आए और सांप अपने स्वभाव के अनुसार, हो सकता है कि वो मकड़ी आ जाए। हर एक जन वहां पर आए और वे अपने स्वभाव को, अपने जीवनों को दिखाए, लेकिन वे सारे वापस संसार के अंदर लौट जाते, क्योंकि सांप का स्वभाव ये अलग है, ये मकड़ी का स्वभाव अलग है, मेंढक का स्वभाव अलग है। इन समुद्र के अंदर बहुत सारे प्राणी है, जाल में बहुत सारे आ जाते हैं, जाल में बहुत सारे वो खींचे जाते हैं मछुआरों के द्वारा, परंतु जा मछुआरे मकड़ी को, पानी के मकड़ी को या सांप को या मेंढक को या छिपकली को या कछुए को, इनको सबको अपने उस थैली के अंदर, अपने उस मछली के रखने के स्थान में नहीं रखता, तो वो केवल जो मछलियां हैं उन्हें ही वो चुनता है, उन्हें ही अपने थैली के अंदर, अपने बैग के अंदर डालता है, अपने स्थान में लेकर जाता है, बाकी सारे लोगों को वो समुद्र के अंदर फेंक देता है, क्योंकि वो उसके काम के अंदर काम के नहीं। ठीक ऐसा ही है परमेश्वर का, परमेश्वर के राज्य, परमेश्वर का सुसमाचार। जब परमेश्वर के राज्य के सुसमाचार का जाल हमारे ऊपर डाला जाता है, वचन रूपी जाल, मैसेज रूपी जाल, तब उस जाल के अंदर अनेक लोग आते हैं, सांप के स्वभाव के लोग। सांप का स्वभाव जहरीला है, उसका स्वभाव है जहर को फैलाना, उसका स्वभाव है काटना, काटने का स्वभाव, जहर फैलाने का स्वभाव। मकड़ी का अलग स्वभाव है, उस सारे जाले को बुनना, वहीं पर बुनना। मेंढक का स्वभाव है सिर्फ ट्राव ट्राव करते रहना, सिर्फ चिल्लाते रहना, और वो वहां से वो आगे देख, वो पीछे देखकर आगे कूदना। इन सब का स्वभाव अलग है, वैसे ही कलीसिया के अंदर, मैसेज के अंदर, लेकिन जो जगत की उत्पत्ति से पहले परमेश्वर में चुने गए, जिनके पास परमेश्वर ने, जिनको चुन लिया, जिनको परमेश्वर ने अभिषेक किया है, उनके हम आज जो है हमारी अच्छाई के कारण नहीं या हमारी योग्यता के कारण मसीह में आए, लेकिन परमेश्वर ने आज हमें जो पवित्र आत्मा दिया, जो पवित्र आत्मा का विश्वास दिया, मसीह विश्वास दिया, मसीह विश्वास, पवित्र आत्मा का जो भी परमेश्वर ने कार्य दिया, परमेश्वर के वचन के अनुसार आज का जो संदेश है, आज का इस युग का संदेश है, इस युग के संदेश के अंदर हम अपने ओर से नहीं, अपनी इच्छा के अनुसार नहीं, अपनी मर्जी से हम जी नहीं सकते या अपनी मर्जी से हम काम नहीं कर सकते, अपनी बुद्धि या अपने काबिलियत पर हम काम नहीं कर सकते, केवल परमेश्वर। परमेश्वर अपना प्रोग्राम, अपनी योजना वो किसी डिनोमिनेशन की रीति के तौर पे नहीं करता। परमेश्वर जैसा डिनोमिनेशन के लोग सोचते, बिल्डिंग ही उनके लिए सब कुछ होता है। आज उनके लिए एक बिल्डिंग से, अगर उनके पास बड़ी बिल्डिंग हो तो वो उस पर खुश होते, लेकिन परमेश्वर का प्रोग्राम, परमेश्वर की कलीसिया, परमेश्वर का कार्य कोई भी बिल्डिंग या पैसा या धन या शिक्षा पर नहीं चलता। परमेश्वर अपनी कलीसिया, परमेश्वर को इन सारी चीजों की जरूरत नहीं, परमेश्वर केवल पवित्र आत्मा के ही द्वारा अपनी कलीसिया चलाता। प्रॉफिट कहते हैं, वी डू नॉट नीड द वर्क, ये सारी चीजों की आवश्यकता।
उनको पवित्र आत्मा, चर्च पवित्र आत्मा के द्वारा चलता है। हमें हो सकता है चर्च के अंदर अच्छी अच्छी चीजें हो, चर्च बहुत सारे अच्छी चीजों से बहुत सारे मेंबर हो, बहुत सारे शिक्षित चीजें हो, शिक्षित लोग हो, स्मार्ट हो, स्मार्ट प्रीचर हो, या अच्छी चीजें हो, या बहुत सारे डिग्री हासिल किए और लोग आते हो, लेकिन परमेश्वर इन सारे बातों को नहीं देखता। परमेश्वर हो सकता है कि लोग ऐसे ऐसे चीजों से, हो सकता है कि उनके पास बहुत सारे वो ऐसे साधन सामग्री हो जो चर्च चला रहे, लेकिन ये सारी चीजें संस्था के अंदर, दुनिया के अंदर चलती है। लेकिन आज के इस युग के अंदर जो प्रॉफिटिक मैसेज के अंदर ये सारी चीजें नहीं चलती, ना धन पे, ना संपत्ति पे, ना अपनी बोली भाषा पे, ना अपने होशियारी पर, ना कोई छोटा बड़ा, ना कोई ज्ञानवान, ना कोई पुराना या नया, ये सारी चीजों पे नहीं चलता। चर्च केवल पवित्र आत्मा के द्वारा चलता, पवित्र आत्मा के द्वारा, और केवल परमेश्वर पवित्र आत्मा के द्वारा परमेश्वर कलीसिया को चलाता है। कलीसिया बुद्धि से नहीं चलती, इंटेलेक्चुअल चीजों से नहीं चलती। कलीसिया को बुद्धिमानता की आवश्यकता, इसलिए तो संत, इसलिए तो उस भविष्यवक्ता ने कहा, क्या कहा, कि मैं तुम्हें नया आत्मा, मैं तुम्हें नया मन दूंगा। इसलिए अगर कोई, अगर जिसके पास नया आत्मा है, तो वो उसके पास नया चर्च, जिस नए चर्च के विषय में सन ओ एरिस्कल बात कर रहा है, वो इस समय के, इस युग की, उसकी ब्राइड के विषय में बात कर रहा है। हालेलुया, वो उस उसकी बात नहीं कर रहा। वो जो संत मतलब यहेजकेल की पुस्तक में यहेजकेल कह रहा है कि जो नया मन मैं और तुम्हारे अंदर नई आत्मा को उत्पन्न करूंगा, उस नए कलीसिया के विषय में बात कर रहा, उस नए कलीसिया, वो उस नए कलीसिया के विषय में बात कर रहा, उन पुराने कलीसिया जो अपने अपने ज्ञान से चल रही, अपने विचारों से चल रही, लेकिन उस कलीसिया की बात कर रहे हैं जो कलीसिया पवित्र आत्मा के द्वारा चलाई जाती है, जिस कलीसिया की पवित्र आत्मा की, ना कि किसी बुराई के द्वारा, एक दूसरे के खिलाफ में बोलने के द्वारा नहीं, ये शिक्षित वो प्रचारकों के द्वारा, लेकिन पवित्र आत्मा। आज कलीसिया किसके द्वारा चलना चाहिए? पवित्र आत्मा के द्वारा। यही चीज परमेश्वर बता, परमेश्वर यही बात सिखा, पर इसलिए बाइबल में सिखा रहा है, यीशु मसीह ने, जब लोगों ने, जब परमेश्वर ने एक अच्छे सफर की बात, अच्छे भोज की बात बता, यीशु मसीह बाइबल के अंदर लूका 14 और 21 के 21 वचन के अंदर उस भोज की बात कर रहा है, जिस भोज के विषय में यीशु को कह रहा है कि जाओ और जो रास्ते में बैठे थे, जो लंगड़े अंधे और गरीब हैं, उनको लेकर आओ, ताकि वे उस भोज के भागीदार बने। कौन सा भोज है, किस तरह का भोज है आज उस भोज की, मतलब वो भोज जो परमेश्वर ने उन सारे ज्ञानवान, जो बड़ी बड़ी संस्था, बड़ी बड़ी बिल्डिंग, बड़ी बड़ी इमारतें, बड़े बड़े ज्ञानवान शिक्षक, ज्ञानवान और प्रचारक उनके पास थे, लेकिन उन सब के ज्ञान से चर्च नहीं चलता। इसलिए परमेश्वर ने, वो भविष्यवक्ता कहते हैं कि एजकल नबी को परमेश्वर ने उस नई कलीसिया को दिखाया, नई कलीसिया को दिखाया जो पवित्र आत्मा के द्वारा चलती है। चर्च को चलाने के लिए पवित्र आत्मा की जरूरत है, इसलिए उस भोज को खाने के लिए कोई नहीं, क्योंकि सारे लोग ध्यान से भरे, सारे लोग अपने अपने चर्च की उन वस्तुओं से और चर्च की बिल्डिंग से खुश थे, वो अपने कपड़ों से खुश थे, अपने उन सारे ज्ञानवान बातों से खुश थे, लेकिन परमेश्वर ने उस भोज के विषय में कहा जो लूका की पुस्तक के 14 अध्याय 21 वचन के अंदर, जो रास्ते में बैठे, तो हम पढ़ेंगे लुका रचित सुसमाचार इसका 14 अध्याय और 21 वचन।
उस दास ने आकर अपने स्वामी को ये बातें कह सुनाई। तब घर के स्वामी ने क्रोध में आकर अपने दास से कहा, नगर के बाजारों के बाजारों और गलियों में तुरंत जाकर कंगालों, टुंडों, कंगालों, टुंडो, लंगड़ों लंगड़ो, और अंधों को यहाँ ले आओ। अंधों को लेकर आओ, बाजार में जाओ, जो रास्ते में बैठे हैं वही मांग रहे हैं, वो कंगालों को, गरीबों को लेकर आओ, जो अंधों को लेकर आओ, लंगड़ों को लेकर आओ, ताकि उस परमेश्वर के राज्य के सुसमाचार के वो भोज के भागी हो जाए। कौन सा भोज? इसलिए परमेश्वर ने यहेजकेल नबी को बताया कि वो जो नई कलीसिया, न्यू चर्च, उसने उसको कहा कि मैं उसे एक नया मन दूंगा और उसके अंदर नई आत्मा डालूंगा उस नई कलीसिया के अंदर, और वो कलीसिया किसी मनुष्य के ज्ञान के द्वारा नहीं, मनुष्य की शिक्षा के द्वारा नहीं, बिल्डिंग के द्वारा नहीं, वो मनुष्य की ज्ञानवान चीजों के द्वारा नहीं, वो लुभावने वाले कपड़ों और उन सारी चीजों से नहीं, केवल और केवल पवित्र आत्मा के द्वारा वो चर्च चलेगा। उस चर्च के अंदर उन्होंने क्या किया, उस भोजन को खाने के लिए उन लंगड़ों को, अंधों को और टूंडों को और कंगालों को, गरीबों को बुलाया ताकि वो उस भोज में शामिल हो जाए। क्या धन्य बात है कि ये हमारी योग्यता, अगर आप हम ये सोचते हैं कि हमारी योग्यता है, हमारी जो धार्मिकता है उस योग्य नहीं थी कि हम उस भोज में शामिल हो जाए, ना ही हमारे अंदर वो धार्मिकता, लेकिन परमेश्वर ने हमारे लिए योजना, परमेश्वर चाहता है, नबी कहते हैं कि हम, उसने कभी भी फल प्रस्तुत करने की बात नहीं, वो कहते हैं कि नेवर वॉज कमांडेड टू प्रोड्यूस नो सर। उन फलों को प्रस्तुत करने के लिए नहीं कहते, उसने कहा वी आर टू बेयर, हम उन फलों को क्या करें, उन फलों को दिखाए, मतलब दिखाने के लिए नहीं, लेकिन फलों को लाने के लिए। लेकिन लोग क्या सोचते हैं, फल कौन से सोचते हैं लोगों के अंदर, लोग क्या दिखाते हैं, लोग क्या प्रस्तुत करते हैं, अपनी शिक्षाओं, लोग क्या प्रस्तुत करते हैं अपने साइकोलॉजी, लोग क्या प्रस्तुत करते हैं अपनी बुद्धिमानता को, लोग बाहरी स्वरूप को दिखाते हैं, बाहरी रूप को, कि मैं कितना अच्छा प्रचारक हूँ, मैं कितना अच्छा बोल सकता हूँ, मेरे पास कितनी बुद्धिमान की बातें हैं, मेरे पास कितनी अच्छी बिल्डिंग है, मेरे पास कितना कॉम्युनिकेशन है, और मैं कितना कितना बेहतर व्यक्ति हूँ, मेरे पास कितना बेहतर जीवन है। परमेश्वर ये सारी चीजें नहीं देखता, परमेश्वर बाहरी रूप नहीं देखता, लेकिन परमेश्वर नबी कहता है कि वो फल चाहता है, फल फल चाहता है। वो फल कैसा आता है, बाहर से नहीं, देखिए कि फल बाहर से नहीं आ सकता, उनके अंदर वो जो फल आता है वो फल पेड़ के भीतर से आता है। जैसा कि भाई ब्रैनम कहते हैं कि एक एप्पल का पेड़ है, सेब का पेड़ है, उस सेब के पेड़ के अंदर पहले वो सेब जो है भीतर से बाहर आता है, और तब उसके अंदर भीतर से बाहर फल आता है, बाहर से फल नहीं लगता। आज बाहरी रूप, बाहरी स्वभाव, बाहरी जीवन दिखाने से कोई भी फायदा नहीं, हमें तो फल को लाने की आवश्यकता है, हमारे भीतर से फल आने की आवश्यकता। परमेश्वर की कलीसिया ऐसी स्थापित होती, परमेश्वर की कलीसिया ऐसी है जो भीतर से बाहर, बाहरी रूप नहीं, बाहरी चीजों को नहीं। परमेश्वर इसलिए उस एप्पल के पेड़ को, वो जो फल लगता है सेब का, एप्पल का पेड़, वो भीतर से लगता है, भीतर से बाहर आता है, और भीतर से जब बाहर आता है तो बाहर वो दिखाता है, उसको सारे फल लगते हैं। देखिए लूका 13:9 के अंदर क्या कहा, यदि आगे को फल है तो भूला, सॉरी,
यदि आगे को फले तो भला, नहीं तो उसे काट डालना। फलना चाहिए, आगे को फलना चाहिए, फलना चाहिए, बेयर फ्रूट फलना चाहिए, ना कि उसको गम के द्वारा। बहुत बार हम स्कूल के अंदर झूठ मूठ के पेड़ बनाते हैं और उसको क्या करते हैं, उसको वो इसके थर्माकोल के फल बनाते हैं और उसको लटकाते हैं। ये झूठ मूठ के फल आज कलीसिया को दिखाने की आवश्यकता। नया चर्च जो एज के भविष्यवक्ता ने देखा उस कलीसिया के अंदर, उस नए कलीसिया के अंदर परमेश्वर नया मन देने वाला। पुराना मन, कठोर मन, पुराने स्वभाव का मन, पुराने जीवन का मन, वो मन नहीं, और वो आत्मा नहीं जो पुराना आत्मा, जो शारीरिक रीति से जो आत्मा मिला उस आत्मा के अंदर, लेकिन पवित्र आत्मा परमेश्वर देना चाहता है, नया मन देना चाहता है, पुराना मन निकाल कर नया मन देना चाहता है, नया आत्मा, वो नया आत्मा डालना चाहता है। और उस भविष्यवक्ता ने इस नए कलीसिया को देखा और उस कलीसिया के फल भी देखा जिसे वो लग रहे हैं, जिसके भीतर से। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। कैसे फल होना चाहिए? देखिए यौहन रचित सुसमाचार 14 अध्याय और 15 और 4 वचन। तुम मुझ में बने रहो, तुम मुझ में बने रहो, और मैं तुम में, मैं तुम में बना रहूं। जैसे डाली यदि दाखलता में बनी ना रहे, यदि डाली दाखलता में बनी ना रहे, तो अपने आप से नहीं फल सकती, अपने आप से फल नहीं ला सकती। यदि हमने पवित्र आत्मा ना, यदि हमारा जीवन पवित्र आत्मा से भरा, हम पवित्र आत्मा से अभिषेक किए ना, हम मसीह में ना, मसीह के वचन में ना हो, नबी के संदेश में ना हो, हमारा पुराना स्वभाव, पुराना मन अगर हम में हो, हम नहीं कहीं से नहीं हो सकते। परमेश्वर का राज्य उस जाल के समान, परमेश्वर का सुसमाचार उस जाल के समान। लेकिन परमेश्वर मेंढक को या सांप को या मकड़ी को या कछुए को परमेश्वर के राज्य में लेके नहीं जाना चाहता, लेके जाना चाहता जिनका मन नया, जिनको पवित्र आत्मा से अभिषेक, पवित्र आत्मा को भरा हो उनके अंदर। उसने कहा मैं पवित्र आत्मा नहीं भी होगा तो उत्पन्न करूंगा, मैं उत्पन्न करूंगा जो चुने हुए लोग जो वेदी के सामने जाकर परमेश्वर को ग्रहण करते, अपने आप को स्वीकार करते। आज लोगों का मन कठोर हो चुका, हम उस वचन को पूरा कर ले। वैसे ही तुम भी यदि मुझ में बने ना रहो तो नहीं फल सकते। यदि मसीह में ना हो, मसीह के संदेश में ना हो, मसीह के वचन में ना हो, चर्च जा रहे, हम सोचते हैं कि हम बचाए गए, फल वो ये नहीं, वो ये नहीं कह रहा कि फल दिखाओ, डुप्लीकेट फल, झूठे फल, झूठे मनगढ़ंत बातें। अगर जो कोई भी मसीह में हो तो उसके अंदर भीतर से फल आते, उसे कोई रोक नहीं सकता, उसे कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि वो भीतर से आते। देखिए आप शिप को देखो, शिप का जब समय होता है, टाइम होता है, तो शिप का ऊन कतरने का समय आता है, तब वो शेपर्ड उसके ऊन को कतरता है, उसके ऊन को कतरता है, और वो ऊन को कतर के, क्योंकि वो ऊन चिपकाया नहीं जाता देवी फल से या कोई देवी स्टिक से, परंतु वो ऊन जितना कतरा जाता है, जितना कतरा कतरते हैं, उसके भीतर से ऊन आते रहते, उसका ऊन परमेश्वर उत्पन्न करते रहते, उसके अंदर परमेश्वर को उत्पन्न करते रहता है, उत्पन्न करते रहता है, उत्पन्न करते रहता है, और उसके भीतर से ऊन आते रहता है, आते रहता है, वो शपथ
हमारे भीतर उन उन सारी बातों को उत्पन्न करता है, पवित्र आत्मा के फलों को उत्पन्न करता है, पवित्र दानों को उत्पन्न करता है, ना कि चिपकाने की, ना कि फेविकॉल से चिपकाने की आवश्यकता है, ना लगाने की जरूरत है, जैसा थर्मोकॉल और सारी चीजों की। वो अच्छा चरवाहा यीशु मसीह वो जानता है कि जब जब समय समय पर वो ऊन को कतरता है, ताकि और भी हमारे अंदर से परमेश्वर का वो ऊन, परमेश्वर के दान, परमेश्वर के फल हम में से बाहर निकले, ना कि हम बाहरी बाहरी आज की जो कलीसिया, आज की जो स्थिति है मैसेज के बिना, बाहरी इंटेलेक्चुअल वो सारे अनुभवों को, जो बाहरी बौद्धिकता बुद्धि के अनुभवों को लोगों को दिखाने की कोशिश करते, जो पॉलिश वाला पुराना जो पॉलिश जो है, संस्थाओं का पॉलिश यहाँ पे नहीं चलेगा, इस नए कलीसिया के अंदर नहीं चलेगा। वो पॉलिश वाला नहीं, चमकाने वाला नहीं। आज इसलिए नबी कहते हैं कि एंड द चर्च हैज गॉट द वीकेस्ट पुलपिट, कमजोर वीकेस्ट पुलपिट योर हेड इन एक युग के अंदर, जो वो मतलब कैसा है, कमजोर कमजोर पुलपिट, जहां से परमेश्वर का सच्चा वचन, खरा वचन, नबी का संदेश, वो ठोकने वाला, वो सुधारने वाला, जीवन को लेके आने वाला, बल्कि पॉलिश वाले संदेश। पॉलिश किसको पॉलिश करने का, लोगों को खुश करने, लोगों को दिखावटी, वो से जैसा सेमिनार की संस्था के लोग एक पॉलिश को दिखाते हैं और वो सारी चीजें, लेकिन यहाँ पर नहीं चलेगा, क्योंकि वो उनके कली से आए, वो उनके बुद्धिमत्ता से कंट्रोल होती है, लेकिन जो परमेश्वर की कली से आए, परमेश्वर की योजना से, परमेश्वर की पवित्र आत्मा से, परमेश्वर की ओर से कंट्रोल होता है। परमेश्वर के लोग चुने हुए लोग, जो चुने हुए लोग नहीं है वो बेबाक हो जाते हैं, वे अपनी इच्छा से जीते हैं, वो बेवहान हो जाते हैं, वे अपनी इच्छा से जीते, अपने मर्जी से जीते, लेकिन परमेश्वर के लोग वे परमेश्वर के अधीन हो जाते हैं, परमेश्वर की इच्छा से चलते हैं, वे परमेश्वर की योजना को करते हैं। मेरे प्रिय भाई, क्यों लोग अपने, क्यों लोग, कुछ लोग क्यों विजयी होने का, व्हाई सम पीपल कांट कीप द विक्ट्री, क्यों वे विजयी नहीं हो पाते उनके जीवन में, हम देखते हैं। आज चर्च को पॉलिशिंग की आवश्यकता नहीं, भाई बहनों को पॉलिश पॉलिश के जीवन की आवश्यकता नहीं, पॉलिश ये चमक के जीवन की आवश्यकता नहीं। आज हमें एक बर्थ की आवश्यकता है, आज हमें जन्म की आवश्यकता है, और नए जन्म की आवश्यकता है, और नए कन्वर्शन की, हमें बदलने की आवश्यकता है, रूपांतर होने की आवश्यकता है, पुरानी बातों से बदलने की, परिवर्तित होने की आवश्यकता है, परिवर्तन होने की आवश्यकता है, इस नीड से कन्वर्शन, हमें जरूरत है परिवर्तन होने, लेकिन परिवर्तन होता नहीं, लेकिन उसी पुराने स्वभाव के अंदर। आज हमें उस पॉलिशिंग की और डजंट नीड फेस लिफ्टिंग, अपने अपने आप को ऐसा एकदम दिखाने की हमें आवश्यकता नहीं, लेकिन आज हमें जन्म की आवश्यकता है, चर्च को एक नए जन्म की आवश्यकता है, और तभी लोगों को लगता है कि नए नए मेंबर आने से रिवाइवल आता है, रिवाइवल ऐसा नहीं आता, नए मेंबर आने से या लोग आने से रिवाइवल नहीं होता, कोई बाहर का व्यक्ति आया अगर उसने कुछ किया तो रिवाइवल नहीं आता, रिवाइवल जो है वो भाई ब्रैनम अच्छे से कहते हैं, रिवाइवल इज टू रिवाइव व्हाट वी गॉट, हमने जो पाया है वही बातें हमें परिवर्तित करती है, हमने इस मैसेज को पाया और मैसेज के द्वारा हमने जो पवित्र आत्मा पाया उसके द्वारा ही रिवाइव आता है, हमने जो वचन पाया उसके द्वारा ही हमारे अंदर।
बेदारी में आ सकते, ये बेदारी वाला संदेश है। और तभी जब ये संदेश हमारे अंदर जब हमने पाया, वही संदेश हमको करता है बेदारी लाता है। स्तुति हो, ओके महिमा प्रभु हमें आशीषित कर। लेकिन आज हम देखते हैं कि जब जब हम परमेश्वर की महिमा करते हैं, लोग रिजॉइसिंग करते हैं, नाचते हैं, गाते हैं, कूदते हैं और चिल्लाते हैं, बहुत अच्छी बात, बहुत सुंदर बात, बहुत ही अच्छी बात। लेकिन एक बात में यहाँ पे बैठक में जो कहा हो गया, लेकिन परमेश्वर अपने कलीसिया आनंद पे नहीं खड़ा कर। द चर्च इज नॉट द बिल्ड अपॉन द बबल डांस, नाचने गाने पर अपनी कलीसिया वो करता है, बट इट इज द built upon the baptism of the Holy Spirit, वो पवित्र आत्मा के अभिषेक पर खड़ा करता है, पवित्र आत्मा के द्वारा खड़ा, पवित्र आत्मा पर खड़ा करता है। पवित्र आत्मा क्या है? The love of God, परमेश्वर के प्रेम पर खड़ा। परमेश्वर इन सारे बातों पे नहीं खड़ा करता। लोगों को लगता है कि नाचना गाना और अपनी कलीसिया खड़ी हो, नहीं, परमेश्वर पवित्र आत्मा के ऊपर अपनी कलीसिया खड़ी करता है, पवित्र आत्मा के अभिषेक पर खड़ी करता है, पवित्र आत्मा परमेश्वर अपने प्रेम के ऊपर कलीसिया खड़ी करता है, ना कि ये सारी बातों पर। ये सारी परमेश्वर की रिवाइवल। लेकिन जब हम देखते हैं कि बहुत सारे नदियों के अंदर बहुत सारा उफान आता है, नदियों के अंदर बहुत सारी वो, तो उन तालाबों के अंदर, उन समुद्र के अंदर लहरें उछलते रहती है, कूदते रहती है। लेकिन जब वो लहरें उछलती कूदती है, तो उसके अंदर जो कचरा होता है, वो उस कचरे को क्या करते हैं, वे उस सारे कचरों को जो उनके भीतर, मतलब समुद्र के भीतर या नदी के भीतर होता है, तो वो सारे जो जो भी वो नाचते उछलते आनंद करते हैं, तो उन लहरों के वो सारा जो कचरा अंदर होता है लहरों के द्वारा ढकेलते हुए वे अपने आप को शुद्ध करते हुए वे क्या करती है, वे उस बेदारी को लेकर आती है। कहां से? भीतर से वो लहरें निर्माण होती है, और वो लहरें जो उनके मध्य में जो कचरा और वो सारा चीजें भरा हुआ होता है, उनको वो क्या करती है, उस बेदारी के द्वारा साफ करती है, और उसे वे जो किनारे पर लाती है। ठीक वैसा ही जो परमेश्वर की जीवित कलीसिया वे क्या करती है, उस पवित्र आत्मा की बेदारी को उनके जीवन में लाती है, और जो बिन काम के जो ऐसी चीजें उनके भीतर होती है, जो ऐसी चीजें जो उनके लिए योग्य नहीं होती है, जो उनके जीवन में ऐसे बातें होती है जो परमेश्वर के खिलाफ में, उन्हें निकाल कर वे क्या करते हैं, उस समुद्र के किनारों पर लाकर छोड़ देती है, और वे सारी चीजों को ढकलते ढकलते वो साफ करते हुए अपने जीवन को जो परमेश्वर की कलीसिया है, उन सारे बातों को निकालती है, और वे उन सारे बातों को वे क्या करते हैं, बाहर निकाल कर बाहर फेंक देते हैं। इसी को कहते हैं बेदारिया, बेदारिया, परमेश्वर की बेदारी। इसी तरह से परमेश्वर की कलीसिया, परमेश्वर के लोग, जो चीजें आज उनको क्या जरूरत, आज क्या आवश्यकता है, परमेश्वर की कलीसिया को, ना कि कोई सिद्धांत या मत की आवश्यकता है, परमेश्वर की कलीसिया को परमेश्वर के प्रेम के मार्ग की आवश्यकता है, प्रेम के मार्ग की आवश्यकता है। लेकिन जो कुछ भी कचरा उन नदियों के अंदर, उन समुद्रों के अंदर, उन तालाबों के अंदर है, वो सारा जब बेदारी आते हैं, उस बेदारी के द्वारा उन सारे चीजों को निकाल कर अपने आप को साफ करती है, शुद्ध करती है, ताकि वे परमेश्वर के वचन के अनुसार। हालेलुया। क्यों कुछ लोग विजयी नहीं हुए, क्यों कुछ लोग विजयी नहीं, Why some people can't keep the victory? सालों साल वैसे ही
सालों साल उनके जीवन में वैसी बातें रहती, सालों साल वे सोचते कि वे मसीह है, वे चर्च जा रहे, गाना गा रहे, आनंद कर रहे, और वे सालों साल उसी स्वभाव के अंदर। लेकिन बाइबल इन सारे बातों को बताती है, नबी बताते हैं कि जब एक एक जो सोना होता है, सोना जब आग के भट्टी में डाला जाता है, तो जो गोल्ड स्मिथ होता है, जो सोनार होता है, वो उस आग के जो जो खदान से लाया हुआ सोना होता है, उसको पहले सबसे पहले आग के भट्टी में डालता है। और जब आग के भट्टी में डालता है, तब वो सोने के अंदर आग लगती है, वो जलते रहता है, और उसके अंदर जो कुछ चीजें होती है वो सारी चीजें निकलना शुरू, जो उसके अंदर फंसी हुई धसी हुई है वो सारी चीजें, और तब भी नहीं निकलती, तो वो उसे चिमटे से पकड़कर उसको उस आग में से निकाल कर वो क्या करता है, उस सोने को वो इतना मारता है, इतना पीटता है, इतना मारता है, इतना मारता है, जब तक कि उसमें से उसके भीतर जो जो चीजें हैं वो सारी चीजें निकल कर आ जाए। सही में शुद्ध सोना, उस शुद्ध सोने के बहुत सारे पायरेट, सोने के पायरेट मतलब जो सोने के जैसे, हो सकता है कि कॉपर मतलब तांबा, ये भी हो सकता है, लेकिन तब तक मार देता है जब तक कि उसमें से वो सारी चीजें निकल ना जाए, और मार मार कर वो इतना मारता है कि वो सोने के अंदर चमकता है। कौन से चमक? उसका गंदा जीवन निकल जाए, उसके भीतर की गंदगी निकल जाए, सोने जैसा दिखने वाली वो सारी चीजें वो निकल जाए, तांबा निकल जाए, वो शुद्ध हो जाए, वो साफ हो जाए, और पवित्र आत्मा वही काम करता है। परमेश्वर तब तक मार देता है जब तक कि उसका जो सुसमाचार का जीवन है, परमेश्वर का सुसमाचार उस भाई बहन में से चम ना चमके, उस इस घड़ी का संदेश उनके भीतर से ना चमके, तब तक परमेश्वर मारते रहता है, तब तक मारते रहता है जब तक कि उनके अंदर प्योरिटी ना आ जाए, उनके अंदर शुद्धता ना आ जाए, पूरे वचन की शुद्धता, उनके अंदर जो रिफ्लेक्शन है यीशु मसीह की चमक ना आ जाए, तब तक परमेश्वर उस कलीसिया को मारते रहता है, भाई बहनों को मारते रहता है, जब तक कि उनके अंदर वो चमक, उनमें से पायरेट, कॉपर और ये सारी चीजें निकालता, तब तक मारते रहता है जब तक कि वे पूरी तरह से शुद्ध। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर ने मैसेज को इसलिए लाया, लेकिन मैसेज सो की जगह होकर औपचारिक जो कलिस है, इसको फॉर्मल कलिस क्रिडी चर्च, वो जो है जब तक वो सारी चीजें नहीं निकलती, जिसके अंदर हमारे अंदर जो सूखापन, मैसेज तब तक नया जीवन नहीं लेके आ सकता, तब तक मैसेज पवित्र आत्मा की वो सारी चीजें नहीं आ सकती सूखे जगह पर, औपचारिक चर्च के अंदर और उन स्थानों के अंदर तब तक वो सारी चीजें नहीं आ सकती, जब तक कि वो कलीसिया मत सिद्धांतों से या सारी चीजों से, और आपका हृदय परमेश्वर के प्रेम से ना भरे, आपके अंदर परमेश्वर का आशा और विश्वास ना है, इसलिए परमेश्वर क्या करते रहता, तब तक मारते रहता। लेकिन नबी कहता है कि परमेश्वर कि वो कहते कि मेरे घर में एक छोटा सा बच्चा हो 2 साल का, और यदि वो गलत बात कर रहा हो या गलत चीज कर रहा हो या वो कोई ऐसी चीज कर रहा हो, और मैं अगर उससे प्रेम करता हूं तो उसे करेक्ट करूं, यदि मैं प्रेम नहीं करूंगा तो उसे करेक्ट नहीं करूंगा। ठीक है, ऐसा ही जो परमेश्वर की संतान है, परमेश्वर की बेटे बेटियां हैं, उनको परमेश्वर तब तक मारते रहता है, तब तक मारते रहता है जब तक कि वे सुधार ना लाए। लेकिन परमेश्वर मैसेज का जीवन सूखे लोगों के अंदर नहीं आ सकता, सूखे कलीसिया के अंदर, औपचारिक कलीसिया के अंदर, मत सिद्धांतों के अंदर, लेकिन परमेश्वर
जब तक कि परमेश्वर का कोई परमेश्वर के आशय विश्वास जो आज अमेरिका के विषय में कहते हैं कि अमेरिका जो है हड्डी जिद्दी और ज्ञान से भरे दो फैक्शन वहां पे आ दो प्रकार, कुछ हड्डी जिद्दी होती जा रही है और कुछ ऐसे दूसरे रास्ते पे, दो रास्ते। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रभु की स्तुति। दो रास्ते और दोनों रास्ते तो है एक जाने वाला और एक आने वाला। मिडल रास्ते पे हम चल नहीं सकते, डिवाइडर पर अपने काम नहीं चला सकते। एक तो जाने वाला, ये तो परमेश्वर का वन वे है। क्या है वन वे है? क्या है परमेश्वर का वचन? ये वन वे है। और जब हम एक रास्ते पे चल रहे हैं तो कोई भी उस रास्ते से नहीं आ सकता। अगर हम उस रास्ते पे चल रहे हैं जो हड्डी है, औपचारिक मसीह है, जिनके जीवन में कोई गहराई का बात नहीं है, वे मसीह के, लेकिन वे अगर मसीह के साथ चल रहे हैं तो आप पीछे नहीं मुड़ सकते। फिर आप जिस रास्ते में जा रहे हो उस रास्ते से आपको पीछे लौटने का मार्ग नहीं। कोई भी व्यक्ति अगर इस मैसेज के अंदर, इस वचन के अंदर चल रहा है तो उसे आगे ही चलते रहना, आगे ही बढ़ते रहना, आगे ही चलते रहना, पीछे लौटने के लिए रास्ता, पीछे जाने के लिए रास्ता नहीं, बल्कि उस भाई बहन को उन सारे, अगर वो मसीह के साथ ना कि पीछे लौटने का, पीछे आने का मार्ग। आप पीछे आ ही नहीं सकते, आप पीछे मुड़ नहीं सकते, कि पीछे मार्ग भी एक ही रास्ता है जो सीधा परमेश्वर का मार्ग भी आपको। ये वन वे है, दिस इज द वन वे रोड। आप अपनी इच्छा से वापस नहीं आ सकते, आप अपनी इच्छा से मुड़ नहीं सकते। अगर आप इस रास्ते पे चल रहे हो, वचन रूपी रास्ते पे, इस मैसेज के ऊपर चल रहे हो, तो आपको पीछे मुड़ने के लिए कोई भी रास्ता नहीं है मेरे प्रिय भाई, कोई भी रास्ता नहीं। इसलिए बाइबल हमें सिखाती है, परमेश्वर हमें सिखाता है, परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है कि जब हम परमेश्वर के वचन के अनुसार, इसलिए पुराने बाइबल बताती है कि पुराने बोतलों के अंदर नया दाखरस नहीं भर सकते, पुराने बुदलों के अंदर नया दाखरस नहीं भर सकते। आइए हम उस वचन को पढ़ेंगे, लूका रचित सुसमाचार इसका 5:37-38 वचन को पढ़ते हैं। लूका रचित सुसमाचार इसका 5 और कोई नया दाखरस पुरानी मशकों में नहीं भरता। कोई नया दाखरस पुरानी मशकों में नहीं भरता। नहीं तो नया दाखरस मशकों को फाड़ कर, मशकों को फाड़ कर बह जाएगा, वो पूरी तरह से बह जाएगा, पूरी तरह से खराब हो जाएगा। पुराने नया दाखरस पुराने मशकों के अंदर, पुराने उसको डाल नहीं सकते। लेकिन पुराने समय के अंदर जो जो पुराने मशक जो होते थे, इस स्किन से बने हुए रहते थे और उसके अंदर वो डाला जाता, और जब उस स्किन के अंदर, उस चमड़े के, उस बैग के अंदर, चमड़े के उस थैली के अंदर वे भरा जाता था, और वो बोतल जो थे वो पशुओं के स्किन से बना हुआ था और उसके द्वारा वो पानी,
पूरा कर दे उस वचन को। और मशकें भी नष्ट हो जाएंगी, परंतु नया दाखरस नई मशकों में भरना चाहिए। नया दाखरस नया मशकों में भरना चाहिए, नया दाखरस नया मशकों में भरना चाहिए। अगर पुराने मशके हो और दाखरस नया हो तो उसे फाड़ डाले दो, और वो दाखरस और दोनों भी नष्ट हो जाए। वैसा ही अगर हमारा पुराना जीवन, पुराना शरीर हो, पुराना मन हो, पुराना आत्मा हो, या पुरानी बातें हो, पुराना शरीर हो, तो निश्चित हमारे ऊपर जो पवित्र आत्मा आएगा तो वो सारे हम भी नष्ट हो जाएंगे। इसलिए परमेश्वर चाहता है कि हम नया जीवन, नया जन्म प्राप्त करें, हम हमारे जीवन में विजयी हो जाए। देखते हैं कि बाइबल के अंदर यहोशुआ की पुस्तक 10 अध्याय के अंदर पांच राजा लोगों को जब यहोशुआ नबी उनसे युद्ध कर रहा था, जो पवित्र आत्मा का प्रतीक है, और जब युद्ध चल रहा था तो वहां पर कुछ राजा लोग एक केव के अंदर, एक गुफा के अंदर छुपे, और वे उसके अंदर छुपने के बाद वहां पर यहोशुआ भविष्यवक्ता ने कहा कि उस केव को पत्थरों से बुझा दो, पत्थरों से पूरा ढक दो। देखिए कि आज हमारे शरीरों के अंदर बहुत सारे ऐसे ऐसे चीजें छुपी हुई है, ऐसे ऐसे जो चीजें जो हमारे शरीर के अंदर, हमारे मन के अंदर, हमारे उस स्थानों के अंदर रहने की जगह नहीं है, लेकिन वे छुपे हुए हैं, वो वहां पर स्थान लिया है। देखिए हम देखते हैं कि जब मूसा इजिप्ट से निकले, इजिप्ट से मूसा ने इसराइलियों को बाहर निकाला, और वे लड़ाइयां करती हुई, युद्ध करती हुई, और अनेक लड़ाइयां करते हुए एक स्थान से दूसरे स्थान पर चल रहे थे। लेकिन जब उस देश में पवित्र, उस देश के अंदर जो कनान देश कहलाता है, उसमें प्रवेश करने का समय आया, तो केवल मूसा जाने के बाद जोशुआ ने चार्ज लिया, तो जोशुआ ही उनको उस भूमि के अंदर प्रवेश करवा पाया, और उस जोशुआ ने जिस भूमि की परमेश्वर ने अब्राहम ईसा के अंदर से वायदा किया, जिस भूमि के विषय में उसने मूसा के विषय में मूसा को बताया, उस भूमि को बांटने के लिए परमेश्वर ने पवित्र आत्मा को, मतलब जोशुआ को, जोशुआ ने उस भूमि को बांटा। आज भी कलीसिया को जो कुछ भी देने का कार्य है, पवित्र आत्मा ही, जोशुआ ही वो सारे भाई बहनों को, कलीसिया उनको सारे दान वरदान केवल जोशुआ ही देगा। शरीर में बहुत सारे चीजों पर हम विजय प्राप्त करते हैं, विजय प्राप्त कर रहे हैं, कोई हमारे शरीर के अंदर छुपे हुए पाप, छुपे हुए गुप्त चीजें, लेकिन हम उसे ढक रहे पत्थरों से, जोशुआ की आज्ञा से उन्हें बुझा दे रहे, नष्ट कर रहे। परंतु आज वो परमेश्वर हमारे लिए नए जीवन को, उन सारे दानों वरदानों को, उन सारे आशीषों को बांट रहा है, हमारे स्थानों को ग्रहण कर, हम उस स्थान को ले ले। लेकिन पुराना सुना, पुराने पवित्र आत्मा के वो दान, पवित्र आत्मा का जीवन, पवित्र आत्मा का अनुभव मिल सकता है। नया जन्म जब तक स्वर्गीय जन्म नहीं होता, तब तक हमारे अंदर नहीं, हम मिला नहीं सकते संसार की बातें और पवित्र आत्मा, मिक्स नहीं कर सकते, मिक्स नहीं कर सकते, वरना हमारे जीवन में वो सारी चीजें पवित्र आत्मा की वो अभिषेक से हम वंचित रहेंगे, हम दिव्य चंगाई से वंचित रहेंगे,
यदि अगर हमारे जीवन में परमेश्वर के नए जन्म का अनुभव ना हो तो हमारे जीवन में वो काम नहीं हो सकता। इसलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, उस वाइन को जो पवित्र आत्मा है इन नए बोतलों के अंदर, नए मशकों के अंदर भरना जरूरी है। नया शरीर, नया स्किन की आवश्यकता है इसलिए। और उस स्किन को क्या करते हैं, उस स्किन को ऑयल लगाते हैं। वैसे ही इस स्किन को भी पवित्र आत्मा का ऑयल लगना चाहिए ताकि हमारी जो स्किन है फैल जाए, हमारा शरीर फैल जाए। मतलब वो स्किन फैलता था जब तेल लगाया जाता था, तो वो स्किन जैसा जैसा उसमें वो नया ऑयल भरा जाता था, न्यू वाइन डाला जाता था, नया दाखरस डाला जाता था, वो जो चमड़े की मशके है उसको तेल लगाया जाता था ताकि वो फैल जाए और फैल कर अधिक जगह हो जाए। हालेलुया। जब पवित्र आत्मा का तेल लगाया जाता है तो हमारे जीवन में परमेश्वर के प्रेम के लिए, परमेश्वर की चंगाई के लिए, परमेश्वर के अद्भुत और सामर्थ्य के बातों के लिए स्थान स्थान जगह है। परमेश्वर के वचन के लिए, विश्वास के लिए, नबी के संदेशों के लिए। इसलिए परमेश्वर क्या करता है, उसको स्ट्रेच आउट करता है, उसको खींचता है, उसको खींचकर हमें क्या करता है, जीवन के अंदर वो मैसेज, पेंटिकॉस्टल वाला मैसेज, वही पेंटिकॉस्टल वाला अभिषेक, पेंटिकॉस्टल वाला वो पवित्र आत्मा का अभिषेक, पवित्र आत्मा का अभिषेक परमेश्वर तुम्हारे जीवन में। लोग सोचते हैं कि पेंटिकॉस्ट कोई डिनोमिनेशन नहीं, पेंटिकॉस्ट एक्सपीरियंस है, अनुभव है। जो डियर पेंटिकॉस्ट के दिन वो पत्रस के साथ 120 मशकों ने वहां पर पवित्र आत्मा का अनुभव लिया था, उस अटारी के ऊपर वही अनुभव हमारे जीवन में आना चाहिए, वही अनुभव इस समय के अंदर ब्राइड के अंदर आना चाहिए, वही अनुभव हर एक भाई बहनों के अंदर, वही काम हमारे जीवन में होना चाहिए जो पुराने वो उस पेंटिकॉस्ट के दिन वहां पर 120 लोगों के अंदर परमेश्वर ने क्या किया, वो अनुभव दिया, उनको अनुभव आया, उनका नया जीवन हुआ, नया जीवन उनके अंदर आया और तब वो नया जीवन उनके भीतर प्रवेश किया, क्योंकि वे क्या किया, स्ट्रेच आउट किए गए, उनके उनके उस स्किन जो उनका शरीर जो था वो पवित्र आत्मा के स्ट्रेच आउट किया गया। हालेलुया। क्यों वो अनुभव हमारे जीवन में, क्यों वो अनुभव हमारे जीवन में, क्यों वो सारी बातें हमारे जीवन में। भाई बहनों कहते हैं कि जब वो हमेशा मरे हुए इंसान के लिए सॉरी कहते हैं, लेकिन जब एक व्यक्ति मरा हुआ व्यक्ति उसको उस मॉर्गियो में रखते हैं, मॉर्ग के अंदर रखते हैं, वो मरा हुआ व्यक्ति जो डेड हो चुका है उसके अंदर से बहुत सारा फ्लूइड, बहुत सारा ऐसी चीजें निकलती रहती है, और वो जब उसके शरीर में से निकलते रहता है तो बहुत ही बदबूदार और गंदा, जो हम सहने के। जब कोई भाई बहन स्पिरिचुअली मरते हैं, मतलब आत्मिक रीति से उनके जीवन में नया अनुभव, नया जन्म का अनुभव, स्पिरिचुअली डेड हो जाते हैं, उनके जीवन से बदबू निकलती है, वो फ्लूड, वो सुगंध, वो गंध, आप करना वो गंध उनके जीवन से। अरे मृत व्यक्ति के अंदर से इतना गंध और बहुत ही भयानक निकलता, वैसे ही आज कलीसियाओं के बीच में से, विश्वासियों के बीच में से,
वो गंध निकलता है, क्योंकि वे आज संसारी जीवन है, उनका कठोर मन, उनका कठोर स्वभाव मरा। इसलिए अगर हम किसी व्यक्ति को, क्योंकि मरा हुआ व्यक्ति और मरा हुआ वो डेड हो चुका है, इसलिए चर्च को रिजरेक्शन का, हमारे भाई बहनों को पुनरुत्थान की जरूरत है। आज हमें उस पेंटिकॉस्ट के सामर्थ्य की आवश्यकता है, पेंटिकॉस्ट पावर ऑफ द होली घोस्ट की आवश्यकता है, उस सामर्थ्य की आवश्यकता है मुझे आपको, चर्च को, ताकि हमारे अंदर, इसलिए हमारे अंदर वो पीड़ा है वो कराने की आवाज आना चाहिए, ताकि हमारा शरीर स्ट्रेच आउट हो सके, हम परमेश्वर के सामने घुटनों पे जा सके, हम गिड़गिड़ा सके। आज हम वो बड़ा मैं छोटा, ये छोटा वो बड़ा, मान सम्मान बड़े छोटे एक दूसरे के खिलाफ में एक दूसरे से लड़ते, परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह जब इस पृथ्वी पर थे तो उन्होंने कहा कि परमेश्वर के राज्य में वो बड़ा है जो यहाँ पर छोटा बनकर परमेश्वर की सेवा। इन छोटों में से छोटा जो बनेगा, बड़ा छोटे की बात नहीं, पहला या नए की जरूरत नहीं, अनुभव के समय हमें पवित्र आत्मा के सामर्थ्य, पवित्र आत्मा के सामर्थ्य, और तब हमारे जीवन से गंदगी या बदबू नहीं निकली, वो डेड बदबू अब सैलिस हो, इतनी भयानक वो बदबू रही थी वो बर्दाश्त नहीं कर। लेकिन अगर नॉर्मल नॉमिनल क्वेश्चन रहेंगे तो निश्चित उसड़ाहट और बदबू आ सकती, वो आपको कराने का अनुभव नहीं होगा तो निश्चित वो सारी चीजें आ सकती। आज चर्च को वो परमेश्वर के पास, परमेश्वर की उपस्थिति, आज कहाँ पर है चर्च, आज कहाँ पर है विश्वास, आज कहाँ पर है उनकी स्थिति, क्या क्या स्थिति में है, क्या स्थिति है, कौन सा प्रभाव हमारे ऊपर, कौन सा प्रभाव हमारे जीवन में था, सिर्फ हम चर्च जा रहे हैं और लेकिन हमारा जीवन, हमारा स्वभाव, हमारा हृदय वही मोटा सा, वही कठोर निर्दयी हृदय, दूसरों के प्रति आदर नहीं, सम्मान नहीं, प्रेम नहीं, अपने स्वार्थ के लिए, अपनी इच्छा के लिए, परमेश्वर के लिए भक्ति नहीं, परमेश्वर के लिए भूख और प्यास से, परमेश्वर के लिए कराना नहीं, किस तरह की मुसीबत, किस तरह का जीवन हमारे अंदर, परमेश्वर ने हमें, परमेश्वर ने हमें परमेश्वर ने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले चुना, प्रेज़ द लॉर्ड, हमें परमेश्वर का धन्यवाद देना चाहिए कि मेरे प्रियो हमारी काबिलियत पे नहीं, हमारी अच्छाई पे, हम क्यों विजयी हो नहीं पा रहे, हमारे जीवन में विजयी जीवन क्यों नहीं आ पा, क्यों हम विजयी नहीं हो पा रहे। जब जोशुआ उन शत्रुओं से लड़ा, सूरज डूबने पर था तो जोशुआ ने विनती की, बाइबल बताता है, नबी बताते कि ऐसा इतिहास संसार में पहली बार हुआ और स्वर्ग के अंदर भी परमेश्वर ने किसी मनुष्य के लिए पहली बार सूरज को, परमेश्वर ने उस मनुष्य की बात सुनकर परमेश्वर ने वो सूरज को थमा दिया और वो तब तक मारते रहा तब तक उनका पीछा करते रहा, उसने आज्ञा दी कि भाइयों निडर वो डरो मत, परमेश्वर हमारे संग है, परमेश्वर ने हमें ये भूमि दे चुका है, हम इसके वारिसदार हैं, परमेश्वर ने इस भूमि को हमारे लिए बांट दिया है, परमेश्वर ने हमारे लिए भाग दिया है, क्यों हम विजय नहीं होते, परमेश्वर ने इतनी आशीष दी, इतना बड़ा नदी दिया, क्यों हम पिंजरे में बंद रहे, क्यों उस
पिंजरे के अंदर हमारे पास अच्छा भोजन है, शक्ति है उड़ने की, क्यों हम पिंजरे में छटपटा रहे हैं? क्यों ऐसी पिंजरे में रखी हुई प्राणियों के समान? लोग विषय नहीं होते अपने शरीरों पर, हार गए उन सारी चीजों, घुटने टेक दिए लोगों। आज परमेश्वर का स्वभाव आज इस ब्राइड के अंदर आना चाहिए, इस दुल्हन के अंदर, इस परमेश्वर की दुल्हन के अंदर। परमेश्वर आज दुल्हन के अंदर वो सारी चीजें देखना चाहिए, लेकिन लोग हार चुके हैं। लोग के अंदर वो सारी चीजें, वो जीवन नहीं आया, वो स्वभाव नहीं आया, और वे उस स्थिति तक नहीं पहुंच पा रहे जो परमेश्वर आपको देखना चाहता है। परमेश्वर का जीवन आज वैसा ही जीवन आज ब्राइड के अंदर। सिर्फ हम उस मेंढक के जैसा ब्लॉक ब्लॉक करते, लेकिन बस वही आवाज करते। कौन सा आवाज है? उस मेंढक के साथ क्यों ना, क्यों विजय नहीं हो? क्यों हमारे स्वभाव और आदतों पर, विचारों पर? लेकिन यहेजकेल नबी ने तो देखा है, नए चर्च, नए कलीसिया और नए मन वाले लोगों, नए आत्मा से भरे हुए लोगों को, पुराना मन, कठोर मन, पुराना स्वभाव, पुराना स्थान, पुराना काम रुक गया है, और उसने नए लोगों को देखा है, नए हृदय के साथ, नए स्वभाव के साथ, नए जीवन के साथ। हमें क्या चीजें खा रही है? जैसा भयानंद ने कहा कि कैटल पिलर कलीसियाओं को, वैसे ही ये सारी चीजें आज विश्वासियों को खा रहे, विश्वासियों के अंदर दीमक बनकर, वो विश्वासियों के भीतर घुसकर विश्वासियों के जीवन को खा रहे, कमजोर बना रहे भीतर से। उनके अंदर वो सारी चीजें नहीं रही, वो चींटियां अंदर घुस घुस के कलीसिया को ऐसे बना रही है, हठीली, हठी, जिद्दी। कलीसिया इसलिए कलीसिया को पवित्र आत्मा से भरने की आवश्यकता, पवित्र आत्मा का जीवन कलीसिया। इसलिए वो जीवन जो परमेश्वर जो कलीसिया के अंदर जीवन, बाइबल के सिद्धांतों पर, देखिए हमारे लिए बाइबल ही हमारे लिए सब कुछ, नबी का संदेश ही हमारे लिए। हम इसको छोड़कर हम और चीजें नहीं कर सकते, कितना भी शैतान कोशिश करे, लेकिन हमारे अंदर परमेश्वर का, परमेश्वर का जीवन, परमेश्वर का प्रेम कलीसिया पर, उस नए चर्च के अंदर परमेश्वर की फेलोशिप और प्रेम आना ही चाहिए। प्रेज गॉड, हालेलुया। हालेलुया। क्यों हमारे अंदर वो उस मॉर्बियो, मतलब उस शव घर की, या जिसे हम कहेंगे कि मुर्दा घर, शव घर, लाश रखने की जगह, बदबू वो गंदी गंदगी, अगर तो हम सुनेंगे वो उस गंदगी को, हम वहां ठहर नहीं पाए, खड़े नहीं रह पाए। आज कलीसियाओं की वही अवस्था, एक दूसरे के खिलाफ में बोलना, एक दूसरे से लड़ना, मैं बड़ा, ओ आप छोटे, आप छोटे, मैं बड़ा, इसका वो उसका वो। परमेश्वर को ये सारी चीजें, ये परमेश्वर को ये सारी चीजें। अगर कौवा कितना भी पेंट मारे, कितना भी अपने आप को छुपाने की कोशिश करे, और वो कितना भी कहे कि मैं उस कबूतर के समान हूँ, कबूतर के अंदर वो परमेश्वर ने वो सारी चीजें नहीं कही, उसके अंदर वो पिताशी नहीं,
कवचर के अंदर, कि वो सारी चीजें हजम कर सके। कवा सारी सड़ी हुई गली हुई चीजें खाता है और वो उसमें आनंद करता है। वो कवा जो भी खाता है और सड़ी हुई चीजें खाता है, दोनों चीजें खाता है, मिक्स खाता है। लेकिन कबूतर कभी भी ऐसी चीजें हजम नहीं कर सकता, उसके बदबू में खड़ा नहीं सकता। हमारा कुछ ही अभी इन सारे चीजों के अंदर रह नहीं सकते, इन सारी चीजों को सुन नहीं सकते, हम सह नहीं कर सकते, क्योंकि परमेश्वर ने हमारे अंदर वो सारी चीजें नहीं रखा, वो हजम करने की शक्ति नहीं रखा। हमें तो परमेश्वर ने पवित्र आत्मा दिया, इसलिए हमें आनंद करना चाहिए, खुश होना चाहिए और हमें सोचना चाहिए, हमें हमें परमेश्वर की वेदी के पास आना चाहिए कि मैं क्यों विजय नहीं होता, क्यों मेरा जीवन में मेरे मेरे पास विजय जीवन नहीं है, क्यों इन सारी चीजों के ऊपर मैं विजय नहीं होता। जो मेरे शरीर में छुपी हुई चीजें, मेरे मस्तिष्क में छुपी हुई चीजें, मेरे मन के अंदर छुपी हुई चीजें, इसलिए मैंने क्या वो स्वर्गीय जन्म लिया है कि नहीं है, इसको जांचना चाहिए, परमेश्वर के सामने वो सारी चीजें लाना चाहिए, शर्माना नहीं चाहिए, ताकि हम उस नए जन्म का अनुभव ले सके, उस पेंटिकॉस के सामर्थ का अनुभव ले सके। जब हम ये सोचेंगे तभी हमारे जीवन कलीसिया जीवित कलीसिया बन पाए, भाई बहन जीवित कलीसिया बन पाएंगे और हमारे पास परमेश्वर का जीवन हमारे भीतर। फल अंदर से लगते, फल अंदर से। परमेश्वर ने, प्रभु यीशु ने फल को दिखाने के लिए नहीं कहा, उसने कभी भी बाइबल के अंदर फल दिखाओ नहीं कहा, फल उसके भीतर से आना चाहिए और फल लगना चाहिए। प्रोड्यूस नहीं करने के लिए, लेकिन वो भीतर से उस फलों को देखना, फल देखना चाहता, हर एक स्थिति को देखना चाहता, हर एक उठा हुआ जीवन देखना चाहता, हर एक परमेश्वर का। इसलिए हमारा जीवन जो है, हमारे जीवन के अंदर उन्नति होना चाहिए, हमारे जीवन के अंदर विशेष जीवन होना चाहिए, हमारे उन शारीरिक कामों पर। इसलिए परमेश्वर ने जो जो जैसा उन 12 पुत्रों को परमेश्वर ने उस देश को बांट दिया इसराइल को, वैसे परमेश्वर आज उस पवित्र आत्मा के भागों को कलीसिया के बीच में, कलीसिया के भाई बहनों को बांट रहा है, परमेश्वर बांट रहा है। उस दिन 120 लोग बैठे थे, उसने क्या डिवाइड नहीं किया खुद को? क्या सिर्फ पतरस के ऊपर आया? पूरी कलीसिया 120 कलीसिया, वो पुराने मशकों के अंदर, वो शीप स्किन के अंदर थे, उन सब के अंदर बकरे के खाल में नहीं थे हुए, बकरे के स्वभाव में नहीं थे हुए, उस शिप स्किन के थे, मेमने के स्वभाव, मेमने के चमड़े को लपेट करते। और तब परमेश्वर ने उस पुराने मशकों के नहीं, जो नए मशक हो चुके, नया जीवन को प्राप्त कर चुके, उस 120 लोग उस अटारी पर इंतजार कर रहे। पवित्र आत्मा आकर उसने अपने आप को 120 लोगों पर डिवाइड किया। क्या वो देश जोशुआ ने डिवाइड नहीं किया 12 लोगों को? क्या पेंटिकॉस के दिन प्रभु यीशु ने अपने आप पवित्र आत्मा के तौर से सबके ऊपर नहीं उतारा, सबको भर नहीं? वही परमेश्वर आज फिर से कलीसिया के ऊपर उतर कर आ सकता है, कलीसिया के सामर्थ्य से भर सकता है। इसलिए हमें वो जीवन की आवश्यकता। आज लोग अपने स्वभाव के ऊपर विजय नहीं पाते, कुछ लोग जबान के ऊपर विजय नहीं होते, कुछ लोग कानों के ऊपर विजय नहीं होते, कुछ लोग उन शारीरिक चीजों के ऊपर विजय नहीं होते जो छुपे हुए। जैसा जोशुआ के समय वो राजाएं चुप कर बैठे थे, वैसा ही हमारे शरीरों के अंदर बहुत सारी चीजें। आज हमें पवित्र आत्मा की आवश्यकता, पवित्र आत्मा के द्वारा काम होने की।
Esatto. Si chiama Poltrak Makyamşet. Poltrak Makyamşet. Aç. Çocuk bu koyu çocuk yavşıklar ne? Poltra atma ki anı bho ki yavşıklar. Pururuthan ki yavşıklar. Poltra kamo ki yavşıklar. Poltra jivan ki yavşıklar. Parmeshwar ka sampurna jivan hamare beech mein. Taki hum un wo poltra atma se bhar jaye. Aur hum poltra atma ka anubhav hamare jivan mein. Parmeshwar ka anubhav hamare jivan mein. Isliye mere priye bhai behno hame us anubhav ki avashyakta. उस अनुभव की इसलिए हमें विजय होना चाहिए हमारे शारीरिक बातों को और उन सारी चीजों पे हमें विजय होना चाहिए। उस इज़राइल देश ने जो कनान देश में एक एक लोग रहते थे हित्ती परजी अबूसी पलेस्टाइन सबको उस स्थान से खाली किया क्योंकि वो स्थान दूध और मद का परमेश्वर ने पहले ही वादा किया था वो जो है वो कनान देश वो प्रॉमिस लैंड जिसमें दूध और मद बहने वाला है इसलिए उसने उन सारे लोगों को खाली किया। आज भी हमें हमारे शरीर के अंदर जो जो चीजें हैं उन पर हमें विजय प्राप्त करना विक्ट्री हमारे लिए विक्ट्री डे है। आज ये मैसेज हमारे लिए विक्ट्री डे का प्रॉफिटिक संदेश इस एज के अंदर इस संसार बहुत सारा पतन पाते जा रहा है संसार नष्ट होते जा रहा है लेकिन परमेश्वर ने हमारे लिए विजय इस मैसेज के द्वारा पवित्र आत्मा के मैसेज के द्वारा विजय होने का मौका दिया विजय अनुभव हमारे जीवन में इसलिए हर एक भाई बहनों को विजय होना चाहिए। इसलिए कहा है एज के भविष्यवक्ता ने मैं तुम्हें नया मन दूंगा नया आत्मा दूंगा और नया मन नया तुम्हारा हमारा पथरीला कठोर हृदय निकाल दूंगा मन नया हृदय देना है। क्या ही सुंदर बात क्या ही अच्छी बात है तो परमेश्वर हमें देना है परमेश्वर इस अनुभव को हमारे जीवन में दे रहा है परमेश्वर हमें उन सारे बातों को दे रहा है जो नया मन नया हृदय हमारे लिए दे रहा है नया आत्मा को हमारे लिए उतर रहा है बहुत ही सुंदर और परमेश्वर की महिमा है योग परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष करें। अभी क्रॉस करना है इन सारे बातों पुराने बातों को हमारे पुराने रास्ते हमें परमेश्वर के अनुग्रह में आना है चोरी झूठ ऐसे शारीरिक बातें इनको क्रॉस करना है। पवित्र आत्मा कोई भी कारण नहीं बता उसके पास कोई रीजन नहीं इसलिए परमेश्वर ने यहोशू से कहा तो जिस स्थान में अपने पैर रखेगा यहोशू क्या है पवित्र आत्मा हालेलुया पवित्र आत्मा जहां पर भी जिस शरीर के अंदर जिस भाई बहन के अंदर आएगा वो शरीर पवित्र आत्मा का हो जाएगा पवित्र आत्मा उसके भीतर आएगा पवित्र नया मन उसके अंदर आएगा वो पवित्र आत्मा उसके ऊपर आएगा और वो पवित्र आत्मा उसके ऊपर होने लगेगा। इसलिए यीशु ने कहा मैं तुझ में और तुम मुझ में भाव भाव भावनिकता निकल जाएगी भावुकता निकल जाएगी ये सारी इमोशन बातें निकल जाएगी और हमारे अंदर नया मन नया हृदय परमेश्वर डाल आप सबको बहुत आशीष करें। क्यों कुछ लोग अपने जीवन में विजय Why some people can't keep the victory? सोचे प्रार्थना करें परमेश्वर से गिड़गिड़ा है मांगे पश्चाताप करें कि प्रभु हमें वो पेंटिकॉस्ट का एक वो अनुभव वो उस पेंटिकॉस्ट की सामर्थ को हमारे लोग क्या करते हैं हमें परवाह नहीं लोग हमारे बारे में क्या सोचते हैं हमारा कठोर हृदय निकाल दे कठोर मन निकाल कठोर जीवन को निकाल दे कठोर स्वभाव को निकाल
जिस पत्थर को राजमिस्त्रियों ने ठुकरा दिया, 11:29, आज हम उस पर ही स्थापित होना चाहिए। वही हमारा फाउंडेशन, वही हमारा कॉर्नर स्टोन है, चीफ स्टोन है। वही आज कलीसिया, हम उस पर ही स्थापित होना चाहिए। इसलिए फिर से नबी को भेजा, फिर से नबी के संदेश को दिया, फिर से उस पर स्थापित हो। हम कहाँ पर आए? मूल वचन पे, मूल बाइबल पे, मूल बाइबल की शिक्षा पे, मूल जीवन में आ जाए। लौट कर वापस हम वचन में आ जाए, सब पवित्र आत्मा से भर जाए और हमारे अंदर नया मन और नया आत्मा भर दे। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। प्यारे जो प्रभु यीशु मसीह, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु मसीह, आज के शाम के समय हमारे जितने भी भाई थे, जो पहला कुरिन्थियुस 12:12 के अनुसार हम सब मसीह के देह के अंग, अंग अलग अलग है लेकिन देह एक है, और हम उस मस्ती की राह देखते हैं जो हमारा हेड, और जब वो हेड प्रभु यीशु, हम इंतजार कर रहे, हमारी दृष्टि जैसे एलिशा की एलिया पर थी, यीशु आज के नबी के संदेश पे, एलिया के नबी के ऊपर, उसके संदेश पर हमारे ऊपर दुगनी आत्मा हो प्रभु, ताकि हम उन सारे बातों पर विजय हो सके। तो क्यों हम हार जाते, क्यों हम गिर जाते, क्यों हमारा पतन हो जाता? क्योंकि हमारे पास वो दुनिया, वो जो आत्मा पिता, उस आत्मा को उतारिए पिता, हमें आपके सामर्थ्य भोजन को खाने के लिए मिला। हम जो रास्ते पे बैठे पिता, आपने आपके दास को भेजकर, वो आपके आपने सेवकों को भेजकर हमें बुलाया। हम अंधों को, लंगड़ों को, हम गरीबों को, हम जरूरतमंदों को, जिनके अंदर कोई अच्छाई नहीं थी, कोई भलाई नहीं थी, केवल आपके द्वारा, आपके बुलाहट के अनुसार उस भोजन के हम सहभागी बने, उस भोजन को खा सके, उस भोजन के अंदर हम सहभाग ले सके। हम आज इस स्थिति से गुजर रहे हैं, बड़े भयानक, बड़े ही भयानक स्थिति से हम सारे भाई बहन, सारा संसार, हमारा देश, हमारा प्रदेश, हर एक व्यक्ति गुजर रहा है। सब पर दया, सबको उद्धार पाने का मौका, सबको प्रभु और यीशु उनके पापों को क्षमा कर, हमारे पापों को क्षमा कर, हम पर रहम कर पिता। ओ उस जलजलाहट को जो आपने बाइबल के अंदर पहले लिखा है पिता, आपके नबी के द्वारा पहले लिखा है पिता, सब पर उनकी ओर से विनती करते हैं पिता, क्षमा कर, मौका दे हर एक को। आपने लिखा है कि किवाड़ों को बंद करके लोग आज कई महीनों से घरों में, सब पर रहम कर, सब पर दया कर, सबका उद्धार होने दे, सबके कठोर मन को बदल दे, उनके मांस रूपी हृदय बना, उनको नया मन दे, उस नया आत्मा, वो जो शरीर से जन्मे माता पिता के द्वारा, उस शरीर के साथ में जो वो आत्मा दिया है, उस आत्मा को बदल कर पवित्र आत्मा से अभिषेक कर, हमें विजयी बना। सारा गौरव, महिमा, स्तुति, प्रशंसा आप ही को देते हैं। हमारा उद्धार प्रभु यीशु मसीह के मधुर में।